शुरू करी थोड़ा सा फेसबुक पर और सोशल मीडिया में कमेंट आने लग रहा। बोलिया क्या है 6 घंटा 8 घंटा हम गुलाल उठा दियो कर। एक एक परत खुलवा नामक कुलानी जगह है तहसील को थारे हक को जको पीसो खानगी आज की योजना बनाई नी। अरे योजना हो पर दो जको फांस करे वो पहले मैं झुके प्रणाम करनी चाहूं वह मात्र शक्ति ने वह मागी कोग ने जय मागी कोग वे जका युवा बच्चा जाम्या है और थारे सारा गरंगे सगलांगे हक खातर ले। आज फोन आयो जो कर से कैलाश भाई जी है विक्की है विकास है इन्हें मनीष है सारा युवा साथिया बोलिया भाई जी वेलकम कराना मां क्या नो बोलिया खानो पीनो और वे लाडू जलेबी मां भूल गया के मां आई महा मैं गामा गामा जागे कही आको जो को जो खर्च है नहीं वो खर्च मंद कर दो या पी सारी माला डालनी बंद कर दो क्यों थारे हको पीस हुए एक कार कहेगा माला कौन गाली खाते हम आयो को नहीं आए आयो आ परिपाटी बंद कर खाता रह रहे हूं बट उदाहरण बोल दे सकूं जी। अब जका 10 किसान जा किसान ना ऊपर मुकदमो हो जी आ मुकदमा किसानों को मेरी तरफ हुए जगह उड़े सारा बैठे है सुमेर जी आए डाय गोगा मेडियो रामगढ़ आंदोलन में 7 दिन बुखार पिसाया बैठा रहे आज ये मैं सुमेर जी को अपनो वेलकम करना चाहूं मैं अपनी तरफ हूं एक बार सुमेर जी 7 दिन भूख हड़ताल पर बैठा जब रामगढ़ धरना प्रदर्शन करियो अनशन करियो लेख राम जी रणवा सुनील जी नेहरा विक्की किशन जानी हनुमान राड हजारीलाल जी ओम सारण और जेपी गोटड़ो ये वे 10 लोग हा जांगी बदौलत तहसील के माज करीबन 40 करोड़ रुपया अपने खाते का माए एक एक चीज आप अगर बिमेंगो इतिहास उठा के देखा मैं हमेशा डॉक्यूमेंट और कागजों पर भरोसा करे करूं मैं एक एक तारीख बताऊंगा अग जा लोगा ना पा अपनी तहसील संभला रखी है जा लोगा ना पा के लग रहे हैं जगह अपना प्रतिनिधि है आ प्रतिनिधियां अग आज वो करीबन 1 साल और 10-12 दिन पहले फेसबुक पर आनी एक पोस्ट आई और वह पोस्ट के 9 जुलाई 2021 ने अखार लो बीमो तावड़ो ही आ जाए एक साल पहले की 9 तारीख की बात करूं आज कितनी हो रही है 18 एक साल दिन ऊपर टप गया परंतु नहीं आयो दूसरी आप पोस्ट करी 4 अक्टूबर में 4 अक्टूबर पिछले साल बोलो आ जाओ फिर करी 9 नवंबर में क्या जल्दी किसाना ने खाता में आ जाओ बावला बनाना रो काम क्यों अगे बोल बाला बैठा रहो बोलियो ना तो बुलाने वो जो को काम है चौथी पोस्ट करी 7 दिसंबर में 5वीं पोस्ट करी 7 जनवरी ने 18 जनवरी ने वह बाद 20 फरवरी वह बाद 23 मार्च ने फिर 20 मार्च ने 2 मार्च ने भी यानी मार्च में 3 पोस्ट फिर मई में 19 महीने 25 महीने 18 महीने 2 पोस्ट सुनियो फिर 10 मई 15 अप्रैल 6 जुलाई 16 जून 26 मई 3 जून 28 जून बावला बनाने को काम करके रखियो परंतु बीमो को नहीं आयो और ये मैं बताऊं हकीकत भी महंगी कागज से भी लेके चल ले करूं आपने बादरा तहसील हूं एक चिट्ठी गई वह चिट्ठी आज मैं दोबारा सागे लेके आया हूं कह जी तहसील की जिकी 5000 बीमा पॉलिसियां हैं आगे पहचान कर ली गई यार ये बीमा पॉलिसियां फ्रॉड है जी और मर्सी सर और बोझ लेगा जो किसान है आ किसान ना बीमो ना दो ये 5000 पॉलिसियां आ बात कद की है पिछली सितंबर की और अपनो आ नामा कुल आबाद लगोगे राखी 9 महीना तक अपन आबाद ब्रेरो को पाटन दी 9 महीना वही बात है टापर जाम में जब पैरा साल नो सीख जाए पर तो अपना का बात को नहीं आई आ बात अपने लगोगे राखी और कठिन कठी बोलिया पीसा तकार किया 54 करोड़ रुपया तो लिखित राज है मुझे लगभग 40 करोड़ रुपया अपने खत्म 6 तारीख ने आया है डंके की चोट के ऊपर आए हैं जी 54 करोड़ की जो आप लड़ाई स्टार्ट करी जब बीमा कंपनी एक चिट्ठी लिखे कह जी वी आर रिजेक्टिंग ऑल दीज 5000 पॉलिसीज जी मैं ये सारी रिजेक्ट कर दी
रिजेक्ट करेड़ी जे दोबारा खुलिए नहीं तो आ दादा मेघनाथ की धरती के ऊपर सका थे लोग बैठा नहीं भेड़ा हो गए आरा सड़क जाम करी जब वो पीछे आए वैसे। अब रही बात मैं एक एक परत खोल लू मुझे 65,000 पॉलिसी धारक का पहली होया करता 82,000 2020 रबी का माह होया 65,000 खाता मायो 45,000 कोई बीमो और ये कागज रहा। और फिर बाद में कंपनी बोली मैं सारा हूँ दे दियो जब आप लड़िया बैंक बाद में एक और चिट्ठिया काट गई थी बोला कि जी 49,000 समथिंग 975 लोग आगो यानी कि पहली तो ये नहीं कहा बोला कि सिर्फ 45,000 लोग आगो खातों पड़ रहे हुए तो ये 4,000 कटू बट गया। तो आ बात आज लड़ाई नहीं कई लोग न्यू कह के बोला ना बीमो तो वो दियो और वो दियो ना बीमो दे सरकार जी परंतु हाँ जब चोरी सकारी करेगा जब आप लोग हर बार न्यू लड़ाएंगे। अभी भी डुंगराना सोसाइटी गए नीचे जितना भी खाता है मैं कनके की चोट के ऊपर सारा पत्रकार साथी आ रहा है मैं एक बात पूरी तहसील न कहनी चाहूं अभी भी एक और फ्रॉड चल लाग रहे डुंगराना सोसाइटी गए नीचे जितना भी खाता है वहां खाता में थारा गांव में घना ही खाता है 150-200 खाता है एक आदमी में भी बीमो आयो है कि दर्द है सारी तहसील थाने देख लाग रही है ऐ भी महंगी लड़ाई एक में थाने ज्ञापन 14 तारीख ने क्यों कह दिन वो टाइम दियो आप रजत कट्ठा होया भेड़ा होया जद मात्र 45 दिन वो टाइम दियो और 45 दिन होया कुनिया मेरे भी न्यू जब तक यहाँ लाठी नगरा शांत पड़ा तो नहीं 14 तारीख ने एसडीएम साहब ने ज्ञापन दे गया मैं माजी 15 दिन और दिया 15 दिन थारा आरिफ कार मलसी सर नीब कार योजना बना के कमेटी का लोग आरिफ का रखना तो डुमराना करांगा मैं पहल कर इतनी छूट देती है वो ज्ञापन में पढ़ के सुनाओ 15 दिन को टाइम प्रशासन वाला कहो बोलिया बजरंग माने डेटा ले आगे दो था किसानों को नहीं आएडो मारे कान्यो बोलिया पूरा हो गया मां जी ले आगे देंगा सेफ्टी फार्म और लेके आयो आज का मैं फार्म छोड़ के जाऊंगा चका साथी और आस पास का घोटड़ेगा राम परेगा इन्हें राम सरेगा पूछेगा कणाऊगा इन्हें भाटीगा कलानेगा डुमरानेगा जो साथी देखने लाग रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिस में आगे एक सिर्फ सोचना है और आ सोचना आप कृषि विभाग का ही पूछाऊंगा आ सोचना आप अपना भादरा एडी ने हनुमानगढ़ डीडी ने और जो आरएम जो जयपुर बैठ रहे वहां लोग पूछाऊंगा और एक बिल्कुल क्लियर फंडा राखे गुरु में मेरे लाला लाजी लाला जी को दी है जी अगर 15 दिन में अगर दो तो ठीक है नहीं ये घोड़ा यही मैदान है और ये लोग जगह सोचने लाग रहे हैं कि ये डर जाता किसान को 50-60 लोगों को नाम दे दियो इस सिटी में मैं बार बार मेरा कंठ बैठ गया मैं वहां डबल आ रहा डरियो ना मैं पहल कर रही थी बार बार आ चीज आके काम में कही है हर काम में कही है अलग अलग गांवों आईडा मैं कही है कौन कही मैं कही है की कोनी धाने सिर्फ डराण को काम करने लाग रहे हो और डराण को आग लेने बोल रहे है बोले साल सिर्फ सवाई बच रही है सवा साल जितो आम लोग डरा सका नहीं तो डरा ला क्यों आज भ्रष्टाचारी जो लोग हैं आम लोग आपकी गोज गरम कर रखी है ये फेसबुक के ऊपर ये जो लाइव दिखावा नहीं के मारो जयपुर में वो मकान है 12वीं मंजिल आरो मकान कभी कौन दिखाए हुए जब कोई साथी न्यू कहना बोले 12वीं मंजिल पर तो कौन ही के काम रेडा को मकान मेरे कहना आ जाइयो एक लम दिखाऊंगा पूरा कटे रहे कटे रहे तो जो थारो पीसो जो खा गया नहीं वो पीसो जो आपा कटाए हुए है खातर कोई बजरंग सारण को स्वागत हो वो को नहीं है जी मना सारा साथी आके बोले भाई जी तोला ना मैं क्या हूं बोले कि थोड़ो बहुत मैं जे चीज को विरोध करू बोले किन की सहयोग बोले चंदो काम वो कट्ठो कर गिर मैं कराना को नहीं जुड़ जी आप परिपाटी बंद करो आप परिपाटी बंद करो क्यों सुख दुख में कदे कोई आवेगे न्यू ना कहो मारे मुकान बैठना आयो फलाणो वोट बनाना आवे चार पारिवारिक रूप मुझे कोई आर्थिक ग्रुप मुझे कोई गरीब है नहीं 1100 रुपया सहयोग करो तो फोक में आगे बता दो कोनी करे ये लोग ये जगह जो दौड़े पुड़ते पजामा आगे रूड़े झूठ का जगह गुच्छा बनाने लग रहे नहीं आ लोग आगे से तीस सवाल पूछना से सीखो आई बात मैं कही और मैं दोबारा ये जगह 10 लोग उड़े बैठे हैं नहीं मैं ईशा ईशा 90 वर्षीय तहसील में जय दिन सो जाऊंगा नहीं वह दिन यहाँ तहसील सवाल पूछ रहा हूँ सीख जागे रहना है कथा माथे के थारे आपको देखो किस लोगों की तो काट ओ कई साथी कह बोले 6 घंटा हम गुलाल उठा के पहल कर इज्जत क्यों कह 45 दिन वो टेम दियो जब गुलाल उठाए हो जी काम का और खुशी में उठा में इज्जत कोई पीसा खाएड़ा खजेड़ा जब हाँ इज्जत तो आज साथ ही मैं बताना चाहूंगी
मार्च के मला के धारगा में जनसंपर्क के मां भी अक पहले तो कहानी को बेरो पाड़ा कहानी की है क्यों कहानी मानी बोली गहरी कर रखी पहलो ज्ञापन दिए हुए 16 तारीख में थे अप्रैल में न एक महीने पास दिए 16 मई में ये मेरा खुद का ज्ञापन है कॉपी के मां दूसरों दिए हुए 20 महीने जो आप एसडीएम कार्यालय को घेराव करे हुए एसडीएम कार्यालय को घेराव करे नहीं वेंगे बीच में विधायक जी 4 पोस्ट गिर दी बोला मैं चोर को नहीं अरे पापा मैं तुमने तो बुझे नहीं कौन लाग रहा ना तने कह लाग रहा मैं चोर अपने आप सफाई क्या मिले लाग रहा उसे और फेको बीमो बोले मेरी गोज में हमारे तो ये 25 चिट्ठियां क्या मिली कर रखी है और ये झूठी चिट्ठियां यहाँ चिट्ठियां को कोई वो नहीं सिर्फ जनता बावला बनाने खाते दूसरी 20 महीने आप जो ज्ञापन दियो तीसरों दियो आप 27 महीने जब आप रोड रोके वो पहली और चौथो दियो ये बापा 14 तारीख ने रिसेंट और डुमराना रो जो कोई अपनो जो बीमो रुक रहे है वो बीमो भी आप कटाशा जी अब एक एक चीज खोल के 2021 गरीब आरो जो बीमो है सरकार कहने लग रही है बोलिया मैं सैटेलाइट जारी करके दिया एक और चिट्ठी आएगी जी माल नोटिस कंपनी जय कंपनी ने दिल्ली का मां बैठ गया लोग कही है जो बीमा कंपनी है बोलो जी माना आप बताओ माने पैसा कम कट्ठे देना पड़ेगा अपनी आने वाले टाइम में मैं दोबारा बेरो को नहीं मलसी सुरु दस की ज्यादा ही प्यार हो रही है ऐ चीज की भी आप रूपरेखा मलसी सुरु में बनाऊंगा कि ये जो 2021 आरो जो बीमो खांगी या जो योजना नहीं बनाई है ये के कह बोले मूंग खड़े है बोले ऊपर में सैटेलाइट फोटो खींची है बोले मूंग अरे दिखे के हरिया मूंग दिखने लग रहे हैं जब कंपनी आ रखे गए बोले फसल में खराबी कोनी और यू भी कहने लग रहे बोले मारो भी दिमाग से ये मारो भी दिमाग में खराबी कोनी परंतु आना कौन बेरो फसल भी खराब है थारो दिमाग भी खराब है और वे दिमाग ने ठिकाने में ऊपर लिया क्यों अब ईद किसान सड़कों पर उतर के और अपने हक खाकर लड़ना सीख गए और मजबूत काम होगी शुरुआत ये देखी चीजा 45-50 हजार पॉलिसियां करीबन अपनी कंप्लीट हो गई है क्लियर हो गई है अभी भी बहुत सी पॉलिसियां अपने काम में करीबन 250-300 पॉलिसियां बच रही है डुंगराने में भी बच रही है जकी डुंगराना सोसाइटी आ रही है तो आ खातर एक फॉर्मेट तैयार करियो है फॉर्मेट भी सीधी ले गया हूं अपने गांव का जितना और एक जगह छोड़ जाऊंगा कोई मित्र पर या फिर कोई सार्वजनिक जगह या फिर कोई इसी जगह जिथे अपने फॉर्मेट कह नहीं दे सका वो फॉर्मेट भर के ऑफिस पुजाड़ू है 30 तारीख तक टाइम दे रो है 2021 आरो रबी को आप जो बीमो सोसाइटी हुए वो आप कटाशा से अब जो कमेटी बनाई है आ कमेटी में धीरे धीरे और लोग जोड़ांगा आ लड़ाई ये भी पूरी कुनी है आ लड़ाई तो चलती रहेगी आज नहीं तड़के परसों क्यों कदे न कदे ये हर बार ये किन की इशो कपलो करते हैं जब जटा एक आदमी देखो लड़ाई को लड़े जाए संगठन में शक्ति हुए जत करके या संगठन ये अपन नींव रखी है एक इंडिविजुअल में बात मेरी रखनी चाहूं अक मैं मलसी सर गाँव में शाम में गोगा मेड़ी जी मंदिर है इन्हें जोड़ आपने तालाब कह दिया करा इन्हें भगत सिंह जी की प्रतिमा लाग रही है मैं मेरे दिल की बात कहूं तो जी मैं इस तस्वीर को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहता हूं और इतनी ऊंचाइयों तक कि पूरे राजस्थान के लोग पूरा राजस्थान का लोग गर्व करे खां जी आवा बादरा तहसील है जैसे बजरंग भर का युवा साथी हर भर का युवा साथी जगह जागे अभी भी अपनी लड़ाई अगर लड़ी है आपा वह लड़ाई है बिजली खातर आप लड़ाई लड़ी नहीं थाना गांव में आज भी 1-3 साल आंदोलन चाण लाग रहे थोड़ी देर पहले एक भाई साहब इन खड़िया नरेश को शायद नरेश कहकर नहीं बोले गांव में पानी की समस्या है पीण वो पानी की समस्या मैं एक पूरी तहसील ने बतानी चाहूं अक्सर मलसी सर कोनी जी सारी तहसील तीसरी मरण लाग रही है क्यों पूरी क्यों कर गई है एक 1.25 साल तो टपाना ही पड़ेगा और एवं पहले इलाज को नहीं है एक रहा हर चीज खातर आपा जे लड़ता बुंडा लगा हर चीज खातर आपा भी शर्म से आने लगी थी दरी भी सांदी पर यार क्या खातर लड़ा बोले पानी खातर अरे तो मूलभूत सुविधा है बाबा पीने पानी कौन देने लग रहा
70 साल का बुढ़िया जटांगा टापर उरा कोनिया खटी और बाहर जा रहे हैं वे क्यूकर पानी लिया वहां सोचण की बात है। अपनी जकी अपनी जकी मातार बहन है आजकल वो टाइम जा लियो तो भी वो बात है टिक्की के ऊपर अपने अगर पानी मटको भर भर के एक कूलर 5 मटका पी जाए एक दिन का मां पीजे नहीं यार वे सिर के ऊपर टोकनी धर धर के अगर ध्यान लाग रहे हैं तो दुर्भाग्य आपने ग्राम गौर तहसील को आ लड़ाइया नहरी पानी की समस्या मैं सुमेर जी बैठे हैं बहुत परेशान है जी किसान आज तक जो टेल रो किसान है मैं स्पेशली अगर मैं 7 ग्रामों को नाम लू गोवा मेडी डील की रामगढ़ दीपलाणो उत्तरवास पेड़ ये 7 ग्राम इसे जकांगी तहसील तो नोर लागे विधानसभा लागे भादरा और सही बात बताऊं तो आगे ना तो परने सुनाई ना ही उरने सुनाई ये 7 ग्राम भी जो कर अपने मर्जी से मैं पीण का पानी की समस्या यहाँ एक गणखरी समस्या इन्हें तो टहलगा जगह किसान ने छोटू जी खड़े एक कई खसवाणु आयड है दिखा को नहीं तो ये भी तंग है क्यों अब पानी गिलना बोलियो हरियाणा रंग है हरियाणा देंड बोल लागे बाबा बेच आया थे पानी मार ले इससे को बेच आया मारे हिस्से को जितना क्यों सक पानी अगर नहीं आन लाग रहे है तो जी लाठी क्यों को दे लाग रहे थे। केंद्र का मां बीजेपी की सरकार है केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यह भारतीय जनता पार्टी की ही जिम्मेवारी बनेगी और हरियाणा के की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अगर हरियाणा चोरी करने लाग रहे हो हरियाणा नए दिन लाग रहे हो तो अपना जगह एमपी साहब है आन भी आगे जाके आवाज उठानी चाहिए कौन उठानी चाहिए चाहिए पंचायत समिति जीतो साड़ो दोनों बैठी है वहां तू तुम हमारी पहले नाटक हो जाएगा तो TT1 के ऊपर अपने वे कालिया ढोलिया टीवी हुए करता जो सास बहू की लड़ाई आ रहा हुए करता नहीं वह लड़ाई पंचायत समिति सारे ला रही है और वह मां मरण कुंड लाग रहे है जबकि आम जनता है वहां मरण पंचायत आगे मां बजट को न्याय ला रहे रिश्तेदार क्या है जी मान लो जीजो देखो जीजो का वो साड़ो देखो और दोनों गाणी मानी भितरी भितर करने लाग रहे हैं बात सीधी है। भादरा शहर की तो हालत है ही है खराब और कानून व्यवस्था थाने पे रही है शायद आज वो पहले भादरा कोर कर कचेरी पुलिस थाना इतना कौन भरा रहा करता जितना आज के दिन भरा रहा है कौन रवे कौन रवे काल परसु गांधी 45 टाबरों पर केस हो गयो मरसी सर में 10 लोगों पर हो गयो एक दिन बसड़ी कौन जान लाग रही है टाबरान पेपर देने का सर मैं वो भादरा एक गाड़ी खड़ी करके आप पर लिए जाम लगा दियो मैं मजे यार बसड़ी भेजो तहसीलदार साहब ने एक और केस जेब दियो तो मुकदमा तो इतना होने लाग रहा है मैं लागे को नहीं का पा एक आजाद भारत में रहने लग रहा क्यों हाँ तो वहां हिटलर शाही कर रखी है तहसील का मां कानून व्यवस्था की बता दी कचहरी मुकदमा सारा भरा पड़ा है सड़क की हालत थाने फिर है C-65 फाटक मेन नहीं देख रहे 4 साल हो गया फाटक से कोई अर्थी या कोई जनाजो जो है वो सीधो कद सी निकला को ये आना झूठा हुआ था ठीक है ये रही बात जी अपनी ज्यादा लंबी चौड़ी बात कौन करूंगा बीमारी सी लगभग सी बता दी परंतु आज चीजा वो जिम्मेवार कौन है आज चीजा वो दोषी कौन है आप सिर्फ एक आदमी दोष कौन दे सका गांव में पूरी तहसील का मां करीबन 1.5 साल हो गया बीमो को नहीं आयो ई पूर्व विधायक जटा जटा ने 58,000 वोट आए रहा वहां 18-20 मांगे देख के बोला ज्ञापन लेने साल नाम लेके कहूंगा जी पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल को आपा 58,000 वोट दिया वहां कदे आगे थारी समस्या सुनी कौन सुनी कान मुकान की ना की जो कान मुकान खातर आयो मारा काम यहाँ ना कहो बोले दुख बांटन खातर आयो दुख कौन बांटन आयो आगे 4 वोट पक्का करने खातर आवे नेता जगह कान मुकान पर जमा दुख को नहीं हुए थी जब जमा यारो प्यार हो गए तो बताए मेरे को नहीं हुई थी कई बार वो नहीं हुए झूठी बात कौन कर क्यों ठीक है फोन आज जी फलाने कान हो रही कैसा 80 साल देखो जीवन चक्र जो आए वह जानो भी है मैं सोचा चलो यार ये गिरड़ा 4-4 वोटड़ा पकड़ लाग रहा बदले तू की 5-7 वोटड़ा पकड़ वो जी लालच हो आदमी ठीक है परंतु हाँ झूठी नहीं कराना जी आरी क्रिया और पानिया रखा तर पूछो कि कदे संजीव जी को फोन फलो आयो पानी आवे थारे काम में तो वोटड़ा ठाउन से ध्यान दिए एक काले नहीं देने जी बिल्कुल क्लियर है ये जकी जो आपा एक चीज हर बीच में आज एक बातों करके जाऊं जिसो बजरे ना आज इश्यू रहे कुछ सुनाओ जी कब से आ और मन जी सर के पावन करते एक चीज
एक चीज और मैं कह के जान लाग रहा हूं, घड़ाई युवा साथियों के घड़ाई मायतांग बुजुर्गों का एक शंका है। बोलो कहते बजरंग जी सुनाओ, लड़े हो नहीं लड़े हो, केक राना आज लो ठा लियो सड़के कटा बढ़ाना। आप बिल्कुल क्लियर कट है जी, मैं पेपर के नीचे खड़े हो गए 2023 को सुनाओ बजरंग सारण लड़न लाग रहे थारा सारा ने। अब रही बात निशानगी टिकट की, बाकी जो की चीज है ऐसे ही बात बताऊं भाई, लाला लीजिए मेरू भी को नहीं हुई थी पार्टियां ना थी थजन का फोन उठाए जा गलत, अगर बीजेपी है बीजेपी को भी विरोध करना, गलत अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को भी विरोध करना। क्यों आज आप लड़ाई नहीं लड़ा तो क्यों हुआ, आ लड़ाई नहीं लड़ा तो की को नहीं हुआ, अपन यू कहते ना जी में तो कांग्रेस ही की कौन बेटा। ठीक है गेला गणाई सी योजना ही कोरोना काल के बाद फौज की भर्ती खोल निकली, जदवांगो भी विरोध करो माजी फौज की भट्टी काटो, ये बीजेपी का यार भी तरफ फोन आ गया बोले यार मेरे तो विरोध करे मोदी जी को, मोदी जी को कौन करूं जी टावर भूखा बैठे हैं, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ मार के आओ सड़कों पर उतरियो बजे थे तो उठा को नहीं होगा, मैं जाके देख के आया अलसी सर काम में घाई बच्चा तैयारी करता हूँ ऊपर हूँ आज 4 साल आ रही अग्निवीर लिया टेक के, गलत चीज है तो गलत को विरोध करना चाहिए, अगर आप ही लोग नहीं बोलना तो कौन बोल रहे कुछ। बाकी सामाजिक कामों में रक्तदान है कि मंदिर शिवालय है गौशाला है, मेरे याद है थरगा में देख के दिन रामलीला लाग रही, अरबों अगले दिन जब आप धरना प्रदर्शन करियो नहीं, मैं एक बात कह के गयो मार रामायण तो थारी खत्म होगी तड़के महाभारत मा मलसी सर की सड़का के ऊपर सजेगी वहां महाभारत सजी और आप सारांगे ताज के ऊपर देखो 40 करोड़ के करीबन जो भीमो आयो वो भीमो आयो। बात करा अपनी फाइनल जी दांधी दांधी में अपनी बात रख पूरी करूंगा और जगह मेरे सिंधी जो बाहर आए रहे हैं कलाणो गणाई फौजी साथी आए रहे हैं बरवाली आए रहे हैं बरवाणो आए रहे हैं कछवाणो इन सिंधी पर ये आए रहा जितना भी आए रहे बादरों भी गणाई युवा साथी आए रहे हिमांशु को लेट देखियो तो न्याल भाई जी हंस है मेरे तो हर कार्यक्रम में बिना ही बुलाया जाए कई तो इच्छा है कार्यकर्ता इच्छा ही हो करे तो खारो हाथ जोड़ के एक नम्र निवेदन है सिद्धि हो जाओ और थाने लाके बोलड़ा कि नहीं दे दियो तो धक्की चीज हो इज्जत कट्ठा रही हो, मैं पहल कारा भी कह के गयो इन कारा फिर कह के जाऊं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद है थर सारे काम की जनता ने सारे काम की पूरी जो की मातृ शक्ति है युवा शक्ति है। अब रही बात सोसाइटी आ रही मैं फाइनल बात करूं, मेरे को मैं फार्म पड़े हुए फार्म दूंगा बिल्कुल हिंदी में मैं वो फार्म भरना सिर्फ एक जमाबंदी लगानी है और लड़ाई में आप और आगे लेके जाऊंगा 15 दिन को टाइम प्रशासन के है और 16 दिन कहेंगे है आप हाँ आप मेरो आपनो जो आप भाव आजा वो नहीं बैठा हुआ लड़ाई आप जीत के निकला है बात में साथी तो के कह सकू और एक और लड़ाई जीता और एक और लड़ाई जीता हर लड़ाई जीता ना आज करीबन 1.5 साल बाद में देखो चुनाव भी हुए वो नहीं जब भी आना आप अगर धो नहीं जताई तो मलसी सरगाम में की बुनिया दोनों 83,58,000 दोनों ये दोनों जगह जो गलत करी है अच्छा वो मेरे ध्यान ही बुन रही भाई साहब का बोले मिठाई उठ रही हो तो लांगा बोले कोई का केड़ा ले आऊंगा कोई के चर्चा हुई जता युवा बच्चा की मां गुड़ ले आऊंगा गाया ना काम आओगो और वो कृष्ण वाली बात याद आई मेरे आपा वे दिन जब चक्का जाम लगायो बोले जनता हम देखो जी सारा ही मेलगा हूँ दांत काटे ना ही रहेंगे लाके रहेंगे आके आ जाओ बोले जूत खा के जाओगो का कृष्ण कहीं कह दिए बोले जाए और आप लम तो वक्ता ही सही है इन्हें किन्ने जयलाल जी किन्ने रेवड़ तरंद तरंद आदमीर इन्हें तहसीलदार का आगे जाकर माइक लेके न्यू कहने लग रहे हो बोले हाँ हाँ ना कह कर लिया ईशा वक्ता से डाल लाग जाए नहीं मैं आप सोच ली वह दिन अपनी जीत होगी। आज ही निनाड़ काट दो कर दो आए हो आदमी मैं कल घर जाके मकिन बोले निनाड़ काट सारे तो आप बोले तो वक्ता ही शायद दिल की बात है कोई झूठ को नहीं कोई फरेब को नहीं तो खीर आ रही बात तो 6 तारीख में बीमो आयो 6 तारीख में साथी हुई एक कोनी और हर घर में खीर बनी कौन बनी गुलगुला बन गया नहीं भाई जुबान पर सरस्वती बैठी बाबा का घटा है दिखड़ को लाग रही तो रही फिर लाग रहा कृष्ण भाई जी और तो ये तो कि आप लड़ाइया जीतनी है तो लड़ी है
तो आप दोबारा दो ढुंगराने आगे की रूपरेखा बनाने समिति का जिला की मेंबर है और अभी मैं अगले वक्ता ने गुरुजी ने कहता हूँ दो शब्द अपना रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिशिर गांव के सभी संघर्षशील साथियों आज का जो आयोजन किया गया इसके लिए पूरे गांव के और विशेषकर नौजवानों ने जो ये अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के कार्यक्रम का आयोजन किया है वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों ये जो मामला जो अपने था एक दिन का जो अपने जाम का कार्यक्रम किया वो उसका अपना नेता बजरंग सारण था लेकिन आप सभी के सहयोग से आप सभी के संघर्ष से ये अपने अभी जितने भी बाकी बचे हैं वो लोग सक्रिय होकर के आवेदन करें और निश्चित रूप से आप संकट रहे जब भी अगला आंदोलन की कोई आवाज हो आप निश्चित रूप से उसमें शामिल हो। मेरे आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला में देने खातर भैया बड़ी शानदार शुरुआत करी है की गुड़ तोलांगा आज ताई पिसा तोलता है आज गुड़ तोलन लग रहा बड़ी शानदार शुरुआत है बहुत ही शानदार के विकास के प्रोग्राम है यो प्रोग्राम है बजरंग सारण है जो रबी 2020 को बिमो रुकेड़ो वो संघर्ष करियो पूरा गांव भी शामिल है बिमो आयो एक खातर स्वागत प्रोग्राम करे और बजरंग सारण ने तोलन ला रहे हैं गुड़ शुरुआत करी है गांव गांव और पूरी तस्वीरों भी आई आग्रह करा के गुड़ तोड़ना शुरू करो और वो गायन खिलाओ पीसा पसा ही मना कर ले करे वो सर सिस्टम बंद कर दियो जी के ब्रो बिमो आज पीसा ही मना कर ले करे पीसा को नहीं ला भे लावा ही करे पीसा तो पानी छुटावा। अरे गुड़ को क्या काम करोगा गुड़ गौशाला में पहुंच गया बंद करनी है मैंने क्या करनी है ये सारी जो की प्रॉपर्टी बना रखी है ना वो बिल्कुल बंद कर चलाईडी भी तो धारी है नहीं नहीं मारी कौन चलाईडी थी वो कह करे बोले जका कामरेड के कामरेड ये आदमी है आप आपकी चला के रखी है ये मैं तो ये चीज ने बंद करने लग रहे बंद करके ते गुड़ गुड़ तोड़ने लग रहे हो बिल्कुल बिल्कुल आपको कहना है कि गुड़ तोलांगा गुड़ जो को है गौशाला के अंदर देवांगा रायचंद जी रखने रायचंद जी के कुछ प्रोग्राम है 2021 रवि को 2020 बदौलत बिमो आगे पे माराग्रणी नेता बजरंग सारण को बैंक खातर स्वागत करने खातर ग्रामवासियों प्रोग्राम करे तो जंदर की तोड़ के हाँ गुड़ू गुड़ू तो आने शुरुआत करिया ताकि खतरे भी ज्ञान हो जाए और ठीक है ठीक कितना 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 गुड़ है वजन के हिसाब से जाना है पुराणी परिपाटी बंद करो किसी ने कहते रखी तु विकास बढ़ा दिया
उतरो उतरो उतरो, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है थरो, बिल्कुल। ना ना, जो है जो को है वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं मलसी सरून, लगातार जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर कर दो। अपने सागे बजरंग सारण है, वह बात करांगा और पूछांगा जो आज को कार्यक्रम है के बारे में पूछांगा। किसान भाई और आपकी समस्या लेके आ रहे थे, देख्स को आपकी समस्या पूछने लग रहे हैं, क्योंकि डुंगराना जो सोसाइटी के नीचे जो जगह बीमा कटवा रखे है बांग बीमा जो नहीं कोनी आयो, कई अंग आगे है लगभग 30-40% बीमो आगे है। किसान जितना भी आपकी समस्या लेके उड़ा रहे हैं पूछने लग रहे हैं, हम बात करांगा। हाथ मांगे गुड़ की डली लग रही है, मैंने कोई नई शुरुआत करने लग रही है, के करने लग रहे हैं, बांटन भी लग रहे हैं, प्रसाद दे दियो सब 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 राम राम साहब खाओ यार, वो नई नई शुरुआत करिए स्वागत मान सम्मान वगैरह करा, तो बोलिया मैं माला वगैरह को कार्यक्रम करा वगैरह, तो देखो हाँ चीज तो अपनी लड़ाई है, तो बिम्मो आज तो माला ही गलवा माला में प्रोग्राम चल माला, एक तो गलती जी एक क्या गलती कौन गलती रिपियो कौन लेने दिया जी चंदा का नाम, मतलब बीमो बीमो आयो देखो राजी दे लोग खाते बीमो आयो कहनी किसान एक रिपियो चंदो दियोगे आप बंद करानी है जी पूरी पार्टी, मतलब किसान को हो गया किसान रखे चंदो के नाम को, के नाम यही कहना चाहते बिल्कुल, जदी गुड़ तो ले बिल्कुल लाडुआ साथियों को बोलिया केड़ा या फिर लाडुआ वगैरह तो ला गुड़ आप मेरी मान लो बार बार जबरदस्ती मान लो या फिर साथियां बुलाना जी वो सामान तो मैं कर सा तो मां जी गौशाला है गांव में करीबन 500 गाय हैं, मैं काम करो जे थारो मनी ने माना थे करनो ही चाहतो थे गुड़ू गुड़ू मतलब दो एक बन दो काज करे होते। दूसरी बात कई सवाल पूछ रहे हैं कि बजरंग सारणू पूछियो मिला जे चुनाव की के तैयारी है, कौन सी पार्टी में कौन से झंडे के नीचे चुनाव लड़ूंगा कौन लड़ूंगा, देखो जी एम बारे में अभी तक की कौन सोचो, हां चुनाव जरूर लड़ूंगा परंतु विचारधारा टाइप या फिर आप क्या करनी है सोच के कहा जी आप फलानी पार्टी के लागत धमकी गए, क्योंकि अभी तो 1.5 साल पड़े मतलब चुनाव लड़ोगा क्लियर है, पार्टी अभी तय को नहीं है। दूसरी बात एक बात और आ रही है फसल तैयार करी कहनी काट ली कहनी बात जी मैं दिखाई करीबन जो 50 जो पोस्ट है पूरी तहसील से एक बात छुपा के रखी गई की जो 5000 पॉलिसियां की जो लिस्ट है 10 महीना हो गया आबाद लगोगे राखी आबाद लोग आ गए कौन ही आन दी, तो उसके पीछे जो षड्यंत्र हो फसल कहने तैयार करी जी, तो बीमो बादराम आयो है बराबर बीमो नोर में भी है जी मतलब बराबर आयो बराबर भी। एक बात और सवाल उठ रही है कि सिद्ध मुख्तारा नगर उरे किसाना धरनो दे रखे कि बजरंग साण बांग धरने पर जाओगे, देखो तो राजेंद्र जी क्या है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं थाने बताया कि बादराम बादरांग में अपने बहुत एक काफी लंबो जोड़ो क्षेत्र है समस्या अपने क्षेत्र में अपने परिवार में घनी है, अभी तो अपने सोसाइटी और जो बीमो है सोसाइटी और बीमो भी बहुत से लोगों को नहीं है, तो अभी आप सोसाइटी और बीमे की लड़ाई करने लग रहे हाँ बट किसाना ने जुकर थे बताने लग रहे हो, अभी तारानगर वगैरह जरूर जाऊंगा और किसाना ने संबल दे के आऊंगा और आगो समर्थन भी करके आऊंगा। एक किसानों में बात करी क्या मारो बीमो सोसाइटी और आयो को नहीं, तो वो के कारण रुक रहे सोसाइटी और क्यों को नहीं आने लग रही, काफी सारी पॉलिसियां ऐसी हैं अपना राजेंद्र भाई साहब की
जो सोसाइटी डुंगराने की है, डुंगराने सोसाइटी की कोई भी किसान के खाते में पीसो को नहीं आया। अभी हमारी एडी साहब में भी बात हुई, तहसीलदार साहब हूँ, एसडीएम साहिबा हूँ भी, अरे ज्ञापन दे गए 14 तारीख, तो 15 दिन को मैंने टाइम भी दिया कि 15 दिन का मैं ये क्लियर करो। प्रशासन और जो कृषि विभाग का जगह लोग हैं ये कहने लग रहे जी माने सूचना दो कौन से किसानों को नहीं आडो और मैं जल्दी जल्दी यह समस्या क्लियर कराऊंगा। अब ज्ञापन आ रही समझ में कौन आना अगर एकला जाके कनवानगढ़ दिया होते, एकला जाके बादरा दिया होते, फिर उधर धरना धरना शुरू कर दो, मतलब बिना भीड़ आस्ता ज्ञापन कौन दिया जाता, एकला क्यों कर दिया? देखो क्या है राजेंद्र जी, भीड़ करके 5-7-10-20 लोग ले जाके अगर ज्ञापन दे हुए तो वो सिर्फ एक राजनीतिक रूप है। अभी जो 14 तारीख और ज्ञापन में अकेलो दे गया हूँ, क्यों मानगढ़ भी अकेले दे गया? बिल्कुल मानगढ़ भी अकेलो। अब प्रशासन आप काम करा और ऐ तरीके काम करा, अब मैं कुछ रिजल्ट लिख रहे, भीड़ इकट्ठी करनी हुए, सड़क जाम करनी हुए, जब गणाई है जी एक लो मारते हैं गणाई साथ इकट्ठा, दिखाओ कम है मतलब, दिखाओ कम, जनता ने परेशान कौन करना चाहो, जनता ने क्या मिल रहा, जनता जद करानी जद जमा ये पानी नाशाता है। अब 15 दिन के बाद में अगर नहीं आयो तो आगे उस स्टेप डुंगराने बंद नहीं, डुंगराना सारों पहले जो कमेटी है, कमेटी के स्थिति चर्चा करके एक दिन को तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन तो रहेगा ही रहेगा 1 तारीख कमेटी के तरीके, परंतु कमेटी जो फसल बीमा संघर्ष समिति एक बनाई है, हर गाँव दो दो तीन तीन जो मुख्य लोग है, जो आ मान लो काम का ही लोग चुन के 2 या 3 लोग रखे हुए, आ लोग जो निर्णय होगा वो निर्णय सर्वमान्य होगा। और एक फसल बीमा संघर्ष समिति यानी कि एक इसी कमेटी बनाई है जो सिर्फ फसल बीमा खातर लड़ेगी। आखिरी सवाल, बादरा विधानसभा में बड़ो दुर्दयनीय स्थिति चल लग रही है, सरपंच हड़ताल पर बैठे है, ग्राम सेवक LDC हड़ताल पर बैठे है, इन्हें बिजली हड़ताल पर बैठे है, इन्हें किसानों की फिर बारी आने लग रही है, वो जी तहसील की अगर देखा तो शायद आजादी के बाद में पहली बार इशू हुई है कि तहसील बहुत ही गलत आता है, ठीक है आज से वो पंचायत समिति है, पंचायत हम काम को नहीं जी, आप जय गाँव में खड़े उ गाँव गए वहाँ भी 60 किसानों के ऊपर एंटी करप्शन आ रहा हूँ नोटिस आइड हुई ACDR आइड, यानी किसानों ने तो चोर घोषित कर दिया। एंटी करप्शन क्यों है कि किसान ज्यादा कमाई कर नहीं, नहीं नहीं ठीक राजेंद्र जी, किसान से ज्यादा कमाई करा तो 48 डिग्री तापमान में सड़क के ऊपर जाके क्या मैं बैठा आ रहा है, इतने जयपुर जाके बैठा नहीं, तो आगे जकी जो बात रही तहसील की अगर आप देखा पानी जी आज के दिन से आप टहलगा तो किसान इतना मरे अपने जाए कोई सीमा को नहीं, सिद्ध मुख ब्रांच का जगह किसान है जमा धाप्या बैठे हैं, उरला पासे का जगह किसान है अपने बिरानी बेल्ट का या फिर है गाम उरला गामड़ा का बीमो आयो को नहीं जी, पहले थोड़ो बहुत जो है अभी भी बहुत सो बीमो बच रही है किसानों को, देखो सोसाइटी आ रही है, चर्चा हो रही चूरू गया थे 50 किसान लेके वो के मामलो नहीं चूरू में तो ACDR आ रहा हूँ एक नोटिस आइड हो बुलायो, अच्छा तो आ किसानों की स्थिति जानो, देखो मेरा फर्ज बने क्यों अब किसानों बेरो को नहीं किए है के नहीं, तो वहाँ किसान की स्थिति खड़े रहने कारण अब कई किसान तो इच्छा जाएंगे कोई गलती को नहीं, थोड़ी बहुत अगर क्लैरिकल मिस्टेक होगी या फिर जो जो बीमो है, देखो जी अगर डबल प्रीमियम कहीं कटा रखे तो वो तो फ्रॉड को नहीं डबल आ रहा जो को नाम है, तो किसानों के स्थिति देखो एक हौसलो भी बने राजेंद्र जी, आज गाँव के ऊपर संकट हो मर्सी सर गांव गांव करीबन 50-60 किसान ना हो जो कोई ACDR का मां नोटिस साइड हो पूरे गांव के ऊपर संकट हो, और मन ने मर्सी सर इतना प्यार मिले और मैं शायद खुद ना रो कौन पायो, आ रहा किसान ना सेती हुए वैसे सुबह 10 बजे मैं शुरू आंग से थी खड़े हो एंड ACDR के मां जाके भी भीतर से वो डिप्टी SP थे चाहे वो बात अपना बाकी जो अधिकारी थे उच्च अधिकारी आ उच्च अधिकारी हूँ बात अपनी रखी और एक तरीका हूँ बात रखी अग जी हाँ जी समस्या के है क्यों अग तुरते था तो किसान ने बेरू को नहीं हो अग नोटिस आया क्या खाते बजरंग जी एक सवाल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया जमानो है थोड़ा सो क्यों कर दे चाहे एक बूंद पानी गलवा दे तो वर्तमान जो विधायक जी कैस का वर्तमान सरकार है बिंगो तूल बनाए खड़े कर दे कट्ठे ने कट्ठे थारी सोशल मीडिया जी की माने लूज लगन लग रही है के कारण दिखाओ कौन करो सोशल मीडिया पर आनो कौन सा राजेंद्र मैं बताऊं इब जो कर हम 14 तारीख ने एक ज्ञापन दे गया परंतु बटे में खड़े जिक्र ही को नहीं ठीक है आज काम करती हूं ठीक है आज सोशल मीडिया के ऊपर डालती सोशल मीडिया धरातल नहीं है इब जो कर थे के वो कह बजरंग जी थारी सोशल मीडिया ज्यादा हुआ को नहीं विधायक जी की सोशल मीडिया घनी तेज चालन लाग रही है परंतु धरातल पर काम तो को नहीं तो जनता ने काम चाहिए सोशल मीडिया में पेट कौन भरे सोशल मीडिया में सामने चूल्हो कौन सटे सोशल मीडिया में सामने रोटी कौन पके सोशल मीडिया में पानी का टैंकर कौन पड़े तो जो काम आप करने लाग रहे हैं वो चीजा जरूर आप सोशल मीडिया बट ये आरी तरह झूठी चिट्ठी लिख लिख के वो चीज आप सोशल मीडिया ऊपर कौन मतलब धरातल पर काम धरातल पर ही काम करने लाग रहे हैं राजेंद्र यार वह बदौलत है कि करीबन आज 40 करोड़ रुपया
बहुत सा किसान ये जो आज कितना किसान है जका माला भी डाल के गए हैं, जो समर्थन दे के गए हैं, स्वागत कर गए हैं, आ किसान ने सारा खाता पीस आए स्वागत आजकल घोड़ी में भी हुआ, घोड़ी कौन मंगवाई घोड़ी ताज क्यों पीस आने मांगे आके जमींदार मरियो पड़े राजेंद्र है राजेंद्र भाई जी जमींदार आके ही मरियो पड़े हुए दो रुपये सैकड़े पर पीसा ठा ठा के बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग सारण अपने साग आऊँ कई बात सुनी कई बात रखी और आपकी बात बताई थे ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करो लाइक करो और किसानों की बात जठवा होता है धरातल की बात करने लग रहा है धरातल पर रहना चाहो आजकल सोशल मीडिया का जमानो है भी ब्रेक कटाक्स भी करे है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर रहना कौन सा वहाँ और बड़ी कैस का आप एक बड़ी शुरुआत कैस का है तरियांगा जाकर कोई काम होए ए तरियांगा कोई काम होए तो किसानों में भी समृद्धि मिले और चंदो छोड़ के गुड़ तोलना और गुड़ गौशाला में देना एक बहुत बड़ी शुरुआत है ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो लाइक करो धन्यवाद।